इस वीडियो में सबसे पहले बात किया जाएगा एसएससी सीजीएल 2023 इसके ज्वाइनिंग के बारे में, सीपीओ की वैकेंसीज़ के बारे में एंड एसएससी के न्यू वेंडर के बारे में जो मैंने आरटीआई लगाया उसके रिप्लाई के बारे में और भी कुछ जो जानकारी मिली है उसके बारे में इस वीडियो में बात किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एसएससी सीजीएल 2023 जो रोजगार मेला होने वाला था उसको पोस्टपोन कर दिया गया है नेक्स्ट डेट तक के लिए। अब से जो नेक्स्ट डेट एक्सपेक्टेड है वो हो सकती है 5 फ़रवरी। अब ये केवल एक्सपेक्टेड है, ऐसा कोई कन्फर्मेशन नहीं है। सेकंड, ऐसा नहीं है कि रोज़गार मेला से पहले ज्वाइनिंग होती नहीं है, डेफिनेटली जो है ज्वाइनिंग होती है। MEA में ज्वाइनिंग हो चुकी है एंड CGA में भी ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि ज्वाइनिंग रोज़गार मेला से पहले होती नहीं है। बट मे भी शायद कुछ इशू हुआ हो, लेकिन जो रोज़गार मेला है उसको अभी के लिए पोस्टपोन किया गया है। फिर इस RTI रिप्लाई को मैंने एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू भी शेयर किया था। एसएससी सीपीओ में जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर है उसकी वैकेंसीज़ के बारे में, टोटल जो सैंक्शन है 8000 के अराउंड एंड जो वैकेंसीज़ है वो है 959 एज ऑफ नाउ 5 जनवरी 2024 तक। टोटल जो 959 वैकेंसी जो है करंटली वैकेंट है एंड अराउंड आपको पता है कि 93 वैकेंसी सीपीओ 2024 में दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट किया है। अब ऐसा नहीं है कि 959 वैकेंसीज वैकेंट है तो सभी पे जो नोटिफिकेशन है वो निकाला जाता है। इसमें काफ़ी वैकेंसी जो कि फिल होंगी प्रमोशन के थ्रू, कई सारे ASI जो कि SI बनेंगे, कुछ वैकेंसीज को रिजर्व रखा जाता है जो मृतक आश्रित होते हैं उनके लिए, कुछ वैकेंसीज को रिजर्व रखा जाता है जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए। तो ऐसा नहीं है कि 959 वैकेंसीज वैकेंट है तो सभी पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा CPO 2025 या आगे जो भी आप बोल सकते हैं। बट इससे केवल आपको एक रफली आइडिया मिलता है कि CPO में अगर मैं इसका 50% भी हटा दूं कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होता है तो स्टिल काफ़ी पोस्ट वैकेंट हैं। बट आप सभी को पता है कि CPO में जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसीज CPO 2022 में आई थी, देन उसके बाद जो है कॉन्टिन्यूसली जो वैकेंसीज हैं वो कम देखने को मिल रही हैं। बाकी कोई अपडेट होगी तो वो मैं आपको बता दूँगा। अभी जो टोटल वैकेंसीज आप सभी को पता है, मैंने शेयर किया था दिल्ली पुलिस SI में 93 हैं, जिसमें 62 मेल की हैं एंड 31 जो है फीमेल की हैं। अब एक भाई ने मुझे RDI लगाने को कहा था और मैंने कमेंट में भी उसको आंसर किया था कि RDI का जो रिप्लाई है उससे कुछ उम्मीद मत करना। बट स्टिल मैंने RDI लगा दिया था। मैंने उसको बताया भी था कि SSC जो है सिंपल सा एक ही आंसर देगा, जो कि मैंने बता दिया था कि भाई SSC बोल देगा कि हमसे कोई मतलब नहीं है, या SSC ये बोल देगा कि भाई ये हम कॉन्फिडेंशियल जानकारी जिसको हम शेयर नहीं कर सकते। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि मैंने पूछे थे। ये आप देख सकते हैं टेंडर ID है, जिसमें मैंने ये पूछा था कि भाई जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है उसका टेंडर और जो क्वेश्चन बैंक सेट करेगा उसके टेंडर का क्या स्टेटस है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि टेक्निकल बिड जो है 18 दिसंबर को हुई थी, उसके बाद ही कोई भी अपडेट SSC नहीं दिया है। मैंने पिछला भी आपको ट्रेंड बताया था कि अप्रॉक्सीमेटली उसके 1 मंथ के अराउंड जो चीज़ें हैं वो फाइनलाइज हो जाती हैं। अब लास्ट टाइम जो है कमर्शियल बिड का भी SSC ने नोटिस डाला था, बट ये भी मैंने आपको बताया था कि मे भी एक पॉसिबिलिटी हो कि जो भी पार्टी पार्टिसिपेट किए हों केवल उनको बता दिया जाए कि भाई कमर्शियल बिड कब है और ये सारी चीज़ें, इसका नोटिस आपको देखने को ना मिले। लास्ट टाइम भी SSC ने कभी बताया नहीं था कि TCS जो है को ही टेंडर मिला है। वो लोगों ने अपना जो भी IO इंडस्ट्रियल जोन से वहाँ पर कई लोग काम करते थे तो उनसे पूछ के कि हाँ भाई एक एग्ज़ाम होने वाला है, उसे लोगों ने पता लगाया कि हाँ TCS को भी टेंडर मिला है। एंड फिर बार जब एडमिट कार्ड आ गए तो ऑब्वियसली ये बात लोगों समझ में आई गई। तो ऐसा कभी SSC बताता नहीं है कि भाई TCS को टेंडर मिलेगा या ऐसा कुछ। आपको जो है 2 ही केस से पता चलता है, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तब आप उसमें देखेंगे TCS IO इंडस्ट्रियल जोन, या फिर बार काफ़ी सारे लोग हैं जो स्टाफ से आप पूछ सकते हैं। अगर वो बता देते हैं तो अच्छी बात होती है कि भाई उनको ये बस पता होता है कि यहाँ पर एक एग्ज़ाम है। ऐसे कोई फिक्स डिटेल कभी भी कोई भी स्टाफ आपको नहीं देता एंड उनको पता भी नहीं होती है। तो ये तो आंसर आ गया, जिसमें देख सकते हैं कि SSC ने बोल दिया कि ये कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट की बात नहीं है तो हम इसका रिप्लाई नहीं दे सकते। अब मैं चाहता केवल इस चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाई है। मैं अगर चाहता तो इसको एक शॉर्ट भी बना सकता था, बट मैं आपको बता दूँ कि मेरा 5 जनवरी एंड 18 जनवरी को एग्ज़ाम था TCS IO इंडस्ट्रियल जोन में। 5 जनवरी को जो मेरा एग्ज़ाम था वो था SBI का। तो SBI क्लर्क में मैंने अप्लाई किया था, काफ़ी अच्छा नहीं गया है। तो उसमें मैंने जब वहाँ उनके स्टाफ से पूछा कि क्या आपको कोई एग्ज़ाम है जो कि यहाँ पे लगा हुआ है Feb-March के बीच में, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी करंटली कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है। फिर बाद जो है मेरा एग्ज़ाम जो 18 तारीख को था IBPS CIO का, उसमें मैंने उनके स्टाफ से पूछा कि क्या आपका कोई एग्ज़ाम है, तो फर्स्ट एक स्टाफ मेंबर ने कुछ बताने से मना कर दिया। देन एक बंदे ने बोला कि हमारे यहाँ पे एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, कोई ऐसा एग्ज़ाम जो कि काफ़ी दिन तक चले। तो उन्होंने कहा कि एसएससी का एक एग्ज़ाम है जो कि 5 से लेकर मार्च के बीच में चलने वाला है, बाकी हमको ये नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, बट एक एग्ज़ाम है एसएससी का। तो आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम मिड मार्च के बीच में चलेगा, अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ। तो हाईली एक्सपेक्टेड है। मैं आपको बता दूं कि टीसीएस कोई एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी आपकी टीसीएस ही है। अब क्योंकि जीडी तक जो है सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जानी चाहिए, जितना कि प्रीवियस टेंडर है उसको देखते हुए कि किसको टेंडर मिला है। क्योंकि आप देखेंगे तो 1 महीने का गैप भी एसएससी ने इसलिए रखा है। नॉर्मली एसएससी इतना गैप रखता नहीं है, वो चाहता तो जीडी का नोटिफिकेशन और पहले रिलीज करके जीडी को पहले कंप्लीट करा सकता था, लेकिन एसएससी ने यहाँ पे 1 महीने का गैप रखा है। एंड उम्मीद यही है कि जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो टीसीएस ही हो सकती है। बाकी अगर कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन आती है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया। तो वो जिन्हें मैंने आपके सामने शेयर किया। अब ये भी आप बोल सकते हैं कि कोई भी स्टाफ ऐसे बताता नहीं है, तो उन्होंने कोई मुझे एग्ज़ाम का नाम नहीं बताया, उन्होंने बस इतना बताया कि हाँ एक एग्ज़ाम है। अब समटाइम्स कुछ लोग बता देते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं बोलेंगे, बट जो चीज़ें थी वो मैंने आपके सामने शेयर कर दिया। बाकी ऑफिशियल कन्फर्मेशन एसएससी ही दे सकता है। हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक।